सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजे फैक्ट्री में। दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउंड स्टैंडर्ड, ऑडियो स्टैंडर्ड के स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स की पूरी रेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आपको वीपी सीरीज की वीपी और एक्सट्री के पूरे एम्पलीफायर दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर ज्यादातर कोशिश करूंगा मैं प्राइस भी बताने की। तो बिना देर करते वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। फाइनली सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा ऑडियो स्टैंडर्ड की वीपी सीरीज, जो कि स्पेशली लॉन्च की थी कंपनी ने सबवूफर्स के लिए, हैवी बेस के लिए। तो यहाँ पर वीपी सीरीज़ के तीनों मॉडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 8000, 9000 और 12000। तीनों मॉडल ही काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं और हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सटी सीरीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, एक्सटी 4002, 5002 और 7002, ये भी ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से रहने वाले हैं। डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है और सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर वगैरह सब शो होने वाला है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हैवी प्रेशर और वो भी 4 ओम्स पर निकाल के देती है ये मशीन। और उसी के साथ साथ दूसरी मशीन पर नज़र मारते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आपकी जो ये कंपनी ने लॉन्च की मशीन, ये है एम ए सीरीज में। ये जैसे आप लोग मान के चलिए कि आप पिक्चर हॉल बना रहे हैं या पिक्चर सराउंड साउंड चाहते हैं, तो ये वाला एम्पलीफायर 1000 वॉट में पर चैनल, 1000 वॉट 3 चैनल में आपको निकाल के देने वाला है। एक पे सबवूफर चला लीजिए, 2 पे आप अपने मिड और हाई चला लीजिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको नीचे एक और एम्पलीफायर देखने के लिए मिलता है, जो कि रहने वाला है TD 16000। ये TD मॉडल है दोस्तों, TD टेक्नोलॉजी जो इसकी वो TD है, TD 16000 इसका मॉडल नंबर रहने वाला है। अगेन वही बात की जाए तो यहाँ पर आपको SS सीरीज़ और RX सीरीज़ दोनों देखने के लिए मिल जाती हैं। 3000 वॉट, 4000 वॉट के अंदर ये एम्पलीफायर रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों कम वोल्टेज के अंदर लो डैम्पिंग फैक्टर वाली मशीन है। फाइनली बात आती है यहाँ पर MT सीरीज़ की, तो ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से आपको 1201 और साथ में 1601 यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, आपको डेमो में देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहीं पर बात की जाए MT सीरीज़ के सर्किट की, तो सर्किट की 1 ईयर वारंटी कंपनी दे रही है यहाँ पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सर्किट जो है कभी भी सर्विस कराना है, 1 साल के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको सिर्फ वहाँ से कोरियर करना है, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे सर्विस करने का, कंपनी ने इस बात को दावे से कहा है। आप भी सुनिए, कंपनी की 1 साल की गारंटी है, कंपनी के तो एक तरफ से क्या है, 1 साल की गारंटी है ही है। बाकी भैया से पूछते हैं एक बार, भैया एक्स्ट्रा गारंटी वारंटी रहती है एम्पलीफायर्स की? हाँ सोनू भाई, आपके लिए तो वैसे ही रहेगा, सबके लिए, ये कोई भी रिपेयर करा सकता है। अगर प्रोटेक की और प्रोटेक ऑडियो की एड्रेस है तो अपना मेडल क्या है खोल के रिपेयर कोरियर करा के भेजेगा मेरे पास, तो मैं रिपेयर करके उस कस्टमर को उसी एड्रेस पे भेज दूंगा, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग MT सीरीज़ ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से रहने वाली है MT 4500, 5500 और 6500। तो भैया ये बेस और टॉप दोनों के लिए रहते हैं? हाँ, इसमें डबल क्रॉस है, सेम स्पीकर। अरे यहाँ तो चल रहा है स्पीकर, स्पीकर दिखाते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड की। ऑडियो स्टैंडर्ड में 8 इंच नियोडिनियम से लेके, हाँ ये 10 इंची, उसके बाद ये आपका आ जाता 10 इंची स्पीकर, ये भी न्यूडियम की तरफ से रहने वाला। उसके बाद 12 इंची, 15 इंची, ये भी 15 इंची, ये भी न्यूडियम में रहेगा। 15 इंची 400 वाट, ये भी
15 इंची 400 वाट है, जिसके अंदर 3.5 इंची इनर आउट है, वॉइस कॉइल है। 3.5 इंच है, हाँ। ओके, नेक्स्ट मॉडल बताइए। नेक्स्ट मॉडल है 22-26,000 वाट, 4 इंची इनर आउट वॉइस कॉइल। ये 22-26 मॉडल है जी, लेटेस्ट मॉडल है मेरे को लगता है। बिल्कुल, 1000 वाट है, 4 इंची इनर आउट वॉइस कॉइल। तो नेक्स्ट क्या रहेगा भैया? भैया जी प्लीज, इसके बाद ये भी 10 इंच फ्राइड में, 10 इंच फ्राइड मतलब आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये भी ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से, ऑडियो स्टैंडर्ड। ओके, इसके बाद 12 इंच 400 वाट, ये भी फ्राइड है, इसमें भी 3.5 इंच इनर आउट है। ओके, 3.5 इंच इनर आउट, हाँ। 12 इंच 800 वाट, ये भी 4 इंच इनर आउट वॉइस कॉइल। 12 इंच 800 वाट जी, वाओ, ये तो ज्यादा ही हैवी हो गया कुछ। लोग पाते से मांग रहे हैं भैया, आजकल तो सबके ज्यादा का ही डिमांड है, तो हमने कोशिश किया सर। बाकी इसके बाद आते हैं 18 इंच, 18 इंच जी भैया, ये 1200 वाट है, जिसमें 4 इंच इनर आउट वॉइस कॉइल है। ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से रहने वाला है ये भी जी। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग में आपको साथ साथ देखने के लिए मिलती है। यस है, ये ऑडियो स्टैंडर्ड में सबसे न्यू लॉन्च है, 21 इंची 3000 वाट, जिसके अंदर 6 इंची इनर आउट वॉइस कॉइल है। ये ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से आप लोग देख रहे हैं 8 ओम्स का स्पीकर रहने वाला दोस्तों, 6 इंच इन आउट वॉइस कॉइल के साथ, पीडी चेसी में, वो भी डबल स्पीकर है, 3000 वाट का स्पीकर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा मॉडल एक और लॉन्च किया कंपनी ने, रहने वाला भी है ये GT 1852, जिसमें टुकड़े मैग्नेट के साथ, 4 पीस मैग्नेट के साथ, 4 पीस मैग्नेट, पीडी मॉडल है। इसका मॉडल नंबर क्या है? GT 1852 GT 1852 ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप उसकी पर्दा है, इसकी पेपर वगैरह देख सकते हो, ये स्पीकर है, इसमें पेपर वगैरह। तो दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये बैक साइड देखने के लिए मिल जाती है, और बात कीजिए इसके फ्रंट साइड की, एक चीज और ध्यान करिए, इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा रिंग लगा हुआ, प्लस एलएनकी लगा हुआ सब पे, मैं बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बेसिकली देख रहे होंगे कि नॉर्मली आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं उनके अंदर यहाँ पर रिंग नहीं लगाया हुआ है, उससे क्या होता है आपके स्पीकर जो है जल्दी उखड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा हुआ है, एलएनकी प्लस यहाँ पर आपको रिंग जो है वो भी आपको एल्युमिनियम का दिया हुआ है। फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको टू लेयर की बूफर पैरी, कॉटन पैरी देखने के लिए मिलती है, और उसी के साथ साथ उस लॉक के अंदर पूरा पेपर रहने वाला है, 5 इंच वॉइसकॉइल रहने वाली है, और वॉइसकॉइल के मेटल की बात करें तो इनआउट प्योर कॉपर की रहने वाली है, और यही आपको देखने के लिए मिलती है। मेन बात जो होती है वो इसकी क्वालिटी, देखने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि हाँ भाई ये इंपोर्ट है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से चार को कम से डस्ट कैप को सील कर दिया गया है, और एक ये एक मॉडल है डबल मैग्नेट के, और एक ये मॉडल आप लोग देख पा रहे हो, ये है डबल मैग्नेट के, यहाँ पर ये डबल मैग्नेट, ये भी 2000 वोट रहेगा ना, ये भी 2000 वोट का स्पीकर भी है, फोर पीस मैग्नेट में डबल मैग्नेट, ये बताओ बस इस पर एम्बले ले लो, ट्यूटर को भी लेनी ऑडियो स्टैंडर्ड में। मुंडे ने गोडाउन तो भेजी मेरे, 4 किटा भेजी, फिलहाल पिछे फोन पिछे बने और डब्बे बने हुए थे, उसके अंदर से निकाल के लिखा हुआ पड़ा।
इससे करवाने थे बेंडिंग, बोला भी इसकी हाइट इतनी कम है, पेपर में नहीं बैठ रही है। सर सबसे पहले तो ब्लैक कलर के बोर्ड देखो इसकी, चाहे मेडुल की हो, चाहे कैपेसिटर वाली हो, चाहे बैक प्लेट हो, चाहे फ्रंट प्लेट हो, सब ब्लैक होती है, ब्लैक बोर्ड में आता मतलब बिल्कुल। बाकी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा हुआ, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखा हुआ आपको मिलता है दोस्तों, पावर बीटू लिखा होता है। हाँ, पावर बीटू ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर का नाम के साथ लिखा हुआ है। हाँ तो अरुण भाई और क्या रह गया आप? हम मेरी ऑडियो स्टैंडर्ड में आपकी ट्यूटर, ऑडियो स्टैंडर्ड के ट्यूटर रह गए, ट्यूटर रह गए वो दिखा पूरी पूरी बोल रहे आपका ऑडियो की परम का नाम है। अगेन यहाँ पर आपको अगर बात करो एक बार कंप्यूटर्स की, चलो अरुण भाई ट्यूटर ये है मेरी स्पेशल मॉडल है जिसमें GT75AL मॉडल नंबर है, ठीक है, ये अल्युमिनियम वाली कैप है और इसके अंदर आप ऑफर वाला प्राइस बताओ सर। ऑफर ही ऑफर है, इसके अंदर ऑफर है ये समझ लो। इसके अंदर जो कॉयल है, एक तो ये फ्लैट केवल अल्युमिनियम है, फ्लैट वायर में डायफ्राम होता है इसके अंदर। हाँ, ऑडियो स्टैंडर्ड 400 रुपए कम हो जाते हैं। हाँ, अगर हम इसके अंदर राउंड वायर का, इसमें ऑडियो स्टैंडर्ड की पंच किया हुआ। अच्छा जी, इसके बाद इसमें मार्क टू आता है, एक मॉडल ये है मार्क टू मॉडल है, ये मार्क टू मॉडल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता होगा, ये ऑडियो स्टैंडर्ड की तरफ से रहने वाला है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बात की है, यहाँ पर आपके पास सभी मॉडल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपका आ गया सैनोटी का एक दूसरा मॉडल है ना भैया, ये इस मॉडल का नाम क्या है? GT750 प्लेन, और ये आपकी 518 हो गई, ये 450 हो गई। तो सारे ट्यूटर स्लमसम आपको मिल जाते हैं। न्यूटीनियम ट्यूटर आप बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड का, सॉरी DJS का, नहीं ऑडियो स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपको न्यूडियम का VHF मिल जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं रहने का, चलता है। और प्रेशर मीट दोस्तों, प्रेशर मीट 400 वाट है ना। हाँ, दोस्तों यहाँ पर प्रेशर मीट आपको 400 वाट में मिलने वाली है। इसके इसका कोई रिपेयरिंग पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे आपने? सब मिल जाएगा सब, ठीक है। तो भैया ये दो भागों में होती है, तो इसमें 80 प्लस 220 वाट प्लस 80 वाट है ना। हाँ, 400 वाट। ये दोस्तों प्रेशर में देने वाली है, और उसके साथ साथ यहाँ पर डायफ्राम हो गए, नेट प्लेट्स हो गई, सारी चीज आपको मिल जाती है। बस है ना, धन्यवाद। आगे पहुंच गए पर आप लोगों ने देखा
कि सारे एम्पलीफायर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे इको गोल्ड सीरीज आई हुई है, ये तो पुरानी चल रही है ब्लू सीरीज, ये आपके आगे सिल्वर सीरीज, तो यहाँ पर ये तो आपने देख ही लिया है पूरे तरीके से। एक एक चीज पर अरुण भाई ने पूरी डिटेल में आपको नजर डलवाई और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज्यादा से ज्यादा करना शेयर। मिलता हूँ इस तरीके की नई और तड़कती बढ़ती वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।